ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रे फॉर मोर कंसेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस अब कंपनी को क्या हुआ एक फायदा मिला बिना टैक्स के व्यापार करने का अब कंपनी का लालच बढ़ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब लालच बढ़ गया अब वो कह रही थी कि हमें और और प्रिविलेजेस और चाहिए और, और और फायदे चाहिए औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैज ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री

लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे ऑफिसर्स थे वो साइड बाय साइड अपना बिजनेस भी चलाते थे बंगाल में साइड बिजनेस कह लो जिसे तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन तो मिली थी कि भाई ये कंपनी का जो ट्रेड है वो टैक्स के बिना कर सकते हैं लेकिन ये जो ऑफिशियल्स अपना साइड बिजनेस कर रहे थे ना इन्होंने मान लिया कि भाई हम बिना अपना जो बिजनेस है ना उस पर टैक्स नहीं पे करेंगे अब ये जो साइड बिजनेस है ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग जिसकी वजह से बंगाल जो है यानी बंगाल जो है उसका जो टैक्स कलेक्शन इस इन ऑफिशियल्स के वजह से होता था इन ऑफिशियल्स से कलेक्ट किया जाता था जो टैक्स अब वो टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा था उन्हें टैक्स कलेक्शन में रेवेन्यू कलेक्शन में हो रहा था नुकसान तो बताओ बंगाल का नवाब है उसको पूरा संभालना है अपना बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है लॉ एंड ऑर्डर संभालना है उसको सैलरीज पे करनी है उसका रेवेन्यू अगर कम रह जाएगा उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा उसको नुकसान हो रहा है टैक्स में तो वो कैसे रिवोल्ट नहीं करेगा और हुआ भी यही मुशीद कुली खान जो कि बंगाल के नवाब थे उन्होंने कर दिया रिवोल्ट ठीक है उन्होंने कर दिया प्रोटेस्ट एक एक दिखा रखा है लोकल बोर्ड यहाँ से सामान ले लेके जा रही है एक फोटो है उस टाइम की अब अगला टॉपिक करते हैं हाउ ट्रेड लेट टू बैटल्स के भी व्यापार की वजह से कैसे लड़ाइया लड़ी गई ठीक है ये सारी बातें पढ़ लेते हैं

हमारा ये है क्या कहते बंगाल है इसके गवर्नर या फिर आप कह लो कि नवाब कौन बने मुर्शीद कुली खान ऐसे लिख रही हूँ इनके बाद हमारे जो नवाब है वो बने अली वर्दी खान और अली वर्दी खान के बाद गवर्नर या फिर नवाब बने कौन सिराज उद्दौला सिराज उद्दौला बहुत छोटी उम्र में नवाब बन गए थे थोड़े इम्पल्सिव थे इसी की वजह से इनका पतन होता है बहुत जल्दी डिसीजंस लेते थे और बहुत क्विकली ऐसे डिसीजंस लेते थे जिनके कॉन्सिक्वेंस इन्होंने अच्छे से सोचे नहीं हुए थे ठीक है सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉग रूलर ये तीनों ही बहुत ही शक्तिशाली शासक थे दे रिफ्यूज टू तो ग्रांट द कंपनी कंसेशन इन्होंने कंपनी को एक्स्ट्रा जो भी इनको मतलब बेनिफिट्स कंपनी को मिल रहे थे उन वो सारे बेनिफिट्स देने से मना कर दिया का भी अगर बंगाल में आपको रहना है तो बंगाल के नियम तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड अब उन्होंने अब क्या है कि वो बाय दिस टाइम 1750 तक जो समय आया है उस टाइम तक औरंगजेब को मरे हुए तकरीबन तकरीबन 40 45 साल हो चुके हैं आफ्टर 40 45 इयर्स ऑफ औरंगजेब डेथ दिल्ली में कोई इतना शक, शक्तिशाली शासक बैठा नहीं है नवाब जो बंगाल के हैं वो बहुत पावरफुल हैं तो उन्होंने कर दिया कि हम हम जो है न, हम, जो है है ना अब दिल्ली सुल्तान ने इनको ये ग्रांट दे रखा फरमान दे रखा है इसको भी नहीं मानेंगे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अगर यहाँ पे बंगाल में आपको ट्रेड करना है तो आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा इसके अलावा जो नवाब थे बंगाल के उन्होंने क्या किया भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को अपने खुद के नाम पे सिक्के बनाने से मना कर दिया दूसरा काम इन्होंने किया कि भाई तुम लोग अब जितना तुमने अपने फैक्ट्रीज के आसपास किलाबंदी कर ली कर ली पर इससे आगे तुम अपनी फैक्ट्रीज के आसपास की किलाबंदी को नहीं बढ़ा सकते अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिस Uh, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawabs. अब नवाब जो थे ना उन्होंने कंपनी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि भाई तुम लोग तो ना बेईमान हो तुम टैक्सेस पे नहीं करते तुम्हारी वजह से हमारी सरकार को इतना नुकसान होता है टैक्स में बहुत सारे इन्होंने इन पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए इसके अलावा कंपनी कंपनी ने क्या किया बदले में कंपनी ने ऐसे लेटर्स लिखे जिनमें वो टैक्स पे करने से मना कर रहे थे और वो नवाब्स को बेइज्जत करने का भी कोशिश करते थे अपने लेटर्स के थ्रू क्योंकि कंपनी को अभी तक भी ये वहम था कि जो सेंट्रल इंडिया का जो सुल्तान है अगर उनकी परमिशन कंपनी के पास है तो नवाब कुछ नहीं कर सकता द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी कंपनी ने तो ये तक कह दिया था कि भाई ये जो बे मतलब की डिमांड्स रख रहे हैं नवाब उसकी वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा है ठीक है उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारा व्यापार ना अच्छा तभी हो सकता है जब ये जो नवाब है ना ये अपनी जो ये भी टैक्स मांग रहा है ना ये सब भूल जाए हम पे टैक्स ना लगाए इट वॉज ऑल्सोड दै टूट सेटलमेंट माई विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स अब कंपनी ये भी कह रही थी कि हमें ना अगर अपना ट्रेड बढ़ाना है ना तो हमें बहुत सारे गांव खरीदने पड़ेंगे उन गांव में अपनी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी उन फैक्ट्रीज की सेफ्टी के लिए उन फैक्ट्रीज के आसपास हमें किला बंदी करनी पड़ेगी किले बनाने पड़ेंगे लेकिन इन सब को मना कर रहा था कौन बंगाल का नवाब ठीक है द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कॉन्फ्लिकेशन एंड फाइनली कलमेटेड इन द बैटल ऑफ पलासी प्लासी का युद्ध होता है भाई क्योंकि बातें बहुत बढ़ गई थी कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था टेंशन ही टेंशन हो रखी है तो इवेंचुअली क्या होगा लड़ाई होगी ठीक है आप मान लीजिए आपका और आपके भाई बहन के बीच में बहुत दिनों से टेंशन चल रही है वो आपको कुछ कुछ कह के चला जाता है आप उसको छेड़ देते हो तो इवेंचुअली आपको मौका मिलेगा मम्मी पापा घर से बाहर जाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे ठीक है तो यही हुआ उन्होंने भी मुक्का 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 हो गए वो आपस में बहुत मारपीट की आपस में काफी सारे लोग मरे तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा आप होती है इनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी When Aliwardi Khan died in 1756, यहाँ पे आपको क्या बता दिया गया है कि सत्रह सो छप्पन में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है आप मुझे बताओ अलीवर्दी खान से पहले नवाब कौन था बताओ भाई मुर्शिदुली खान और अलीवर्दी खान के बाद का नवाब कौन था बहुत स... एक यंग लीडर सिराज उदौला ठीक है the the of company company was worried about his power and and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. अब ना बहुत थी जब राजा बना क्यों क्योंकि क्यों सिराज उदौला बहुत शक्तिशाली शासक है और कंपनी चाहती थी कि उसकी जगह ना कोई पपेट रूलर यानी एक मतलब जैसे ये होती है ना कठपुतली कठपुतली के टाइप का आए ताकि ब्रिटिशर्स को उस रूलर को कंट्रोल करने में उससे अपनी मर्जी की पॉलिसीज ये करवाने में साइन करवाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े सो इट ट्राइड though without success to help one of siraj uddaulah's rival become the nawab तो इसी सोच के साथ कंपनी ने पहले तो क्या सोचा कि सिराजुद्दौला अगर राजा बन गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई ये तो बहुत ज्यादा ही रूल्स लगा देगा टैक्स ले लेगा दुनिया भर का तो हम क्या करेंगे हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये बौखला जाए और ये बौखला कर हम पर अटैक कर दे नहीं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने बस ये सोचा था कि सिराज के अगर किसी ओपोनेंट को किसी राइवल को हम नवाब बना देते हैं सो उस सिचुएशन में वो ओपोनेंट या फिर राइवल जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा लॉयल भी रहेगा क्योंकि उसे पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही वो नवाब बनाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला से भी छुटकारा मिल जाएगा सिराज सिराजुद्दौला को ये बात पता चली सिराजुद्दौला सच में ही बौखला गया ऐसा करो अपना काम करने हो बिजनेस करने हो बिजनेस करो में खेलो ठीक है स्टॉप फोर्टिफिकेशन फोर्ट तुम्हें बहुत बार कह लिए अगली बार देखो पीट दूंगा एंड पे द रेवेन्यूज और रेवेन्यूज भी पे करने को कह दिया भाई ये वाले टैक्स है और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना ये लो दस परसेंट टैक्स और लगाओ क्या हुआ हुए नहीं नवाब को आया गुस्सा इनके बीच की कोई सुलह हो नहीं रही थी नवाब अपने तीस हजार सैनिक लेकर पहुंच गया कासिम बाजार कासिम बाजार में भी ब्रिटिशर्स की एक फैक्ट्री थी यानी कि वहां पर उनका एक स्टोर हाउस था कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल्स लॉक्ड द वेयर हाउस डिसम्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेटेड इंग्लिश शिप्स लकाब्लिश कंट्रोल ओवर दीजर काजारे फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जितने भी इंग्लिश ऑफिशियल थे वहां पर ऑफिसर्स थे सबको बंदी बना लिया सबके हथियार छीन लिए गए और उसके बाद यह चलना पड़ा कलकत्ता की तरफ उनकी कलकत्ता वाली फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा कंपनी ऑफिशियन मद्रास रॉबर्ट क्लाइव भाई अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं तो इस व्यक्ति को आप कभी नहीं भूल सकते ये व्यक्ति बहुत बहुत इसने काम किए हैं अच्छे बुरे सारे काम किए इसने तो हुआ मद्रास पहली बात तो ये मद्रास क्या होता है मद्रास पुराना नाम है कहाँ का चेन्नई का फिर राजौला ने क्या किया पहले कासिम बाजार पे अटैक किया उसको हड़प लिया फिर कलकत्ता पे अटैक किया उसको हड़प लिया जैसे ही इस हड़, हड़पने की न्यूज अंग्रेजों को मद्रास यानी चेन्नई में मिली वहां से अंग्रेजी बटालियन चालू हो गई कि चलो भाई अब इसको मजा चखाएंगे इसने बहुत अपनी मनमानी कर ली अब हम बंगाल पर अटैक करेंगे ठीक है प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेट द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजोदौला एट प्लासी इवेंचुअली इनकी बातें नहीं बनी सुलह नहीं हुई इनकी तो सत्रह में एट द एंड इनके बीच में एक वॉर छिड़ जाती है कहाँ पे पलासी में जगह का नाम है पलासी ठीक है वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर वन ऑफ सिराजुद्दौलास कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल यहाँ से देखो भाई अब बहुत एक बड़ी बहुत एक बड़ी दुर्घटना मान लो भारत के इतिहास में हुई है और वो दुर्घटना क्या है वो दुर्घटना ये है कि सिराजुद्दौला का एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर मीर जाफर को अंग्रेजों ने बहका लिया अंग्रेजों ने कहा भाई तू तो हमारा साथ दे दे और हम अगर जीत गए तो हम तेरे को नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे मीर जाफर जो है वो आर्मी के कुछ हजार सैनिकों की टुकड़ी को कंट्रोल करता था ठीक है सो वो जो आर्मी की कुछ हजार सैनिकों की टुकड़ी थी वो सिर्फ मीर जाफर के ऑर्डर्स को ही मानती थी जब बैटलफील्ड में एक साइड से उतरे ईस्ट इंडिया सारी आर्मी के जो बटालियंस थे उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई करी लेकिन मीर जाफर की आर्मी यूं की यूं बिल्कुल शांत खड़ी रही क्योंकि मीर जाफर ने उनको अटैक करने का ऑर्डर दिया ही नहीं समझे आप कितना बड़ा धोखा किया है देशद्रोह किया है इसने सो so, इसीलिए अगर आप कभी बंगाल जाओगे ना जैसे मैं कोलकाता गई हुई हूँ तो मुझे कुछ बातों का उनका पता है प्लस मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ से सो तो वहाँ पे ना एक बहुत फेमस टर्म है एक बहुत जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ भी मतलब आप फ्रेज कहते हो कोई भी एक मुहावरा यूज़ करते हो वहाँ पे एक मुहावरा है कहीं तो मेरे साथ मिर्जाफरी तो नहीं कर देगा कि भाई मतलब तो कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर देगा आपस में लोग कहते हैं एक दूसरे को वहां पे धोखे के लिए मीर जाफरी वर्ड का यूज किया जाता है क्योंकि बंगाल के इतिहास में मीर जाफर से बड़ा धोखेबाज या देशद्रोही कोई नहीं है ठीक है? पढ़ लेते हैं आगे जो रॉबर्ट क्लाइव है उसके एफर्ट्स की वजह से ये जो मीर जाफर था इसने अपने देश को धोखा दिया क्लाइव तो तो सिराजुद्दौला

और बंगाल को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने समझे आप सो रॉबर्ट क्लाइव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहते हैं ना एक इमेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमेज उभर कर आई इस बैटल के बाद द promise ऑफ riches, द टेरिटोरियल ambitions ऑफ द मर्क East India ईस्ट इंडिया कंपनी वर distrust विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretaries of the state, to the English monarch. But so large a sovereignty may possibly be an object too extensive for a merc mercantile company. अब ये जो British India Company भारत में करी थी ना, इसको शक की निगाहों से Britain में भी देखा जा रहा था. British Britain के जो लोग थे, जो local मूल निवासी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कंपनी करना क्या चाहती है. ठीक है तो उस बात के रिस्पांस में रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ के एक सेक्रेटरी थे क्वीन अलिजाबेथ के एक सेक्रेटरी थे उनको एक लेटर लिखा कि वे बाय सो लार्ज अ सॉवरेंटी मे पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अर्कल मर्क इन कंपनी कि भाई हम अपने डिसीजंस अगर ले भी रहे हैं तो वो Uh, बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं करने वाली है ब्रिटेन की को को या फिर सुप्रीम अथॉरिटी ठीक एक एक है, है उसके पास वैसे भी कभी इतनी पावर नहीं आ सकती कि वो खुद को सुप्रीम लीडर या फिर सुप्रीम अथॉरिटी डिक्लेयर कर दे आई फ्लैटर माई सेल्फ देयर विल बी लिटिल और नो डिफिकल्टी इन ऑप्टेनिंग रिच किंगडम्स उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने ये तक कहा कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ये बात मैं आपको अश्योर करता हूँ लिख कर देता हूँ कि भारत के इतने अमीर अमीर किंगडम्स को जीतने में मुझे एक परसेंट भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा नाउ आई लीव यू टू जज वेदर इनकम ईयरलीफ टू मिलियनिंग विदिशन ऑफ थ्री प्रोविंस बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग पब्लिक अटेंशन भाई इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कहा कि भाई अब आप मुझे बताओ सालाना दो मिलियन यानी बीस लाख स्टर्लिंग पाउंड स्टर्लिंग की तनख्वाह या फिर इनकम और तीन प्रोविंस की पावर क्या ये जनता के सामने एक गलत तरीके से दिखाई जाने वाली चीज है कि भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को हड़पने का प्रयास कर भी रही है तो इसमें ब्रिटिशर्स का तो कोई नुकसान नहीं है ब्रिटिशर्स को तो इवेंचुअली फायदा ही हो रहा है ना तो रॉबर्ट क्लाइव बोले ब्रिटिशर्स यानी कि जो हमारे देश के मूल निवासी हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है हम उनके नुकसान में कुछ नहीं कर रहे हम उनका फायदा ही करने का प्रयास कर रहे हैं अब देखिए सिराजो दौला तो आपको पता है 1756 में नवाब बना है कब 1756 में लेकिन उससे पहले जो नवाब थे बंगाल के उन्होंने

प्यार के प्यारे तरीके से इन्होंने पूछा था सरकार से कि भाई क्या हम अपनी uh, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह के लिए जगह खरीद सकते हैं फैक्ट्रीज बनाने के लिए विच वॉज नो सूनर ग्रांटेड बट दे बिल्ड अट्रॉन्ग फोर्ट सराउंडेड इट विद डिच विच है रिवर एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन वॉल्स इसकी परमिशन चलो हमने उनको दे दी पर उन्होंने इसके बाद क्या किया उन्होंने फटाक से क्या किया उन्होंने फटाक से यहाँ पे बना लिए अपने फोर्ट्स उन फोर्ट्स के आसपास बना लिए कीचड़ वाले ऐसे एरियाज़ जहाँ जहां पे कहने का मतलब है कि आ, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता पानी के गड्ढे खोद लिए ऐसी जगहों पे अपने फोर्ट्स बनाए जहां पे पानी की रिवर पास में फ्लो होती थी तो डायरेक्टली उनको पानी के लिए भी फोर्ट से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा इमरजेंसी की सिचुएशन में अपनी जो फोर्ट की दीवारें हैं उन पर उन्होंने गोला बारूद गन्स वगैरह पोजिशन कर ली ठीक है दे हैव हैवाइज सेवरल मर्चेंट्स एंड अदर्स टू गो एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर देम एंड दे एंडक्ट रेवेन्यू विच अमाउंट्स टू वन लाख रुपीज उन्होंने बोला जो ये नवाब थे ये सिर्फ यही वाले काम नहीं करते हैं ये बहुत सारे ऐसे लोगों को भी पना देते हैं जिनको हम क्रिमिनल समझते हैं वांटेड समझते हैं इसके अलावा ये तकरीबन एक लाख रुपए का जो टैक्स है वो तीन से ही कलेक्ट कर लेते हैं जो कि बेसिकली सरकार से चोरी है इनटू स्लेवरी इनटू देयर ओन कंट्री कि भी ये सिर्फ इतना ही नहीं करते ये भारत से दोनों ही यानी के पलासी के युद्ध के बाद क्या हुआ सिराजुद्दौला वगैरह के साथ ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं सो दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूल फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए एंड बाय बाय थैंक यू